हाँ, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं हूँ डीके। वंदना जी इधर अपना मोबाइल पे काम वगैरह कर रही हैं। ये मत सोचिए कि मोबाइल चला रही हैं, मोबाइल चला रही हैं उनका एक एक उंगली समझ लो जो 10 रुपये का चल रहा है। जितनी बार उंगली चलेगा सब 10 रुपये आएंगे ना वंदना जी। तो दिखा देते हैं क्या कर रही हैं, नहीं आप लोग मजाक सोचेंगे। वीडियो देख रही हैं, देखिए ये चूड़ा वगैरह है, तीज वगैरह चल रहा है ना, उसका स्टोरी वगैरह लगाती हैं। जिनको लेना होगा तो वंदना जी की स्टोरी देख के आ जाएगा और समझ लीजिए इनका भी उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। सही कह रहा हूँ ना? क्या प्रॉफिट है, काम कर रहे हैं, ये भी तो काम है। वही काम है भैया, आजकल सारा काम मोबाइल से, आपको बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे बैठे काम कर लीजिए। ये बताती हैं सारा वीडियो, वर्क फ्रॉम होम करिए, पता नहीं क्या क्या करिए, दुनिया भर का सामान ये करती रहती है। मुझे तो पता ही नहीं भैया, लेडीज़ के लिए ही ज़्यादातर मिलता है और यही बता सकती हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जाइए वंदना एंड किट्टो ब्लॉग्स पे या लाइक वंदना इंस्टा, हाँ लाइक वंदना इंस्टाग्राम स्टोरी चेक करिए। आपको कुछ भी शॉपिंग करना होगा मेरे स्टोरी से मिल जाएगा। और मेरे मतलब कमेंट कर दीजिए किस चीज को लेकर, कुछ भी मैं लगा दूंगी। और जो भी लगाती हूँ अच्छा प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट भी अच्छा क्वालिटी का ही रिसीव होगा। और चाहे मिंत्रा से शॉपिंग करते हो, चाहे आजियो से या नायका से या फ्लिपकार्ट से या मीशो से, जिससे आप शॉपिंग करते हो, बस अमेजोन वगैरह छोड़ के, नहीं तो सारे ऐप से बता देंगे क्या खरीदना। तो ये भी जो प्रोडक्ट चूज करती हैं तो सारा इनका अच्छा होता है प्रोडक्ट, और जो भी कलर पसंद करती है वो सब अच्छा होता है। यहाँ दिखा देते हैं सोनाक्षी जायसवाल तैयार हो रही हैं। आज स्कूल का छुट्टी था क्योंकि शनिवार संडे छुट्टी रहता है, तो अब ट्यूशन जाने की तैयारी कर रही हैं। और मिलवाते हैं हम अपने छोटे सदस्य से घर के, इधर बैठे हुए हैं और काफ़ी उदास हैं, रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं बताओ, बताओगे तभी तो लोग बोलेंगे ऋषभ ये करो ऐसा करो, बताओ क्यों रो रहे हैं। देखो मुँह बना के बैठे हुए हैं, बता दो। मुझसे आके कह रहे हैं पापा मैं किसके साथ खेलूं, मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं है। तो हम कहे अपनी दीदी सोनाक्षी के साथ खेलो, तो कह रहे वो मेरे साथ नहीं खेलती। क्यों नहीं खेलती इसके साथ? अच्छा ही रहता है यार, लड़ाई करता रहता है। कहती है लड़ाई करता है, और छोटा नहीं है, बड़ा हो गया है। हाँ, ये बड़ा हो गया बेचारा, इतना छोटा सा बच्चा है, बताओ। वो तो खिलाने लायक है, खेलने लायक नहीं है। इधर बताओ और बताओ कुछ, दिल की फीलिंग बता दो। तो कह रहे चलो मुझे कहीं घुमा दो, तो हम कहे कि चलो कल संडे है, कल घुमा देंगे, क्योंकि आज सोनाक्षी का ट्यूशन है, वो इस ट्यूशन जा रही है और इनको हम अकेले ले जाएंगे। कल नहीं जाएगी ना मम्मी के बिना? क्यों नहीं जाएगी? वो नहीं जाएगी तो हम तुम चलेंगे, ठीक है? अभी मोबाइल में देख रहे थे ना, दिखाया था ना, वहीं चलेंगे। दिखाऊंगा मोबाइल में, बहुत अच्छा जगह है, कभी गए नहीं हो। कल जाओगे तुम सोनाक्षी? अगर मैं चली तो चलेंगे। ठीक है, तुम जाने, तुम लोग मत जाना, हम ऋषभ चले जाएंगे, ठीक है? मम्मी चलेगी। तुम्हारी मम्मी जाएंगी, कहेंगी बहुत गर्मी लग रहा है, कितना ट्रैफिक है, भीड़ भाड़ है। ये बोले ना कि स्कूटी पे जगह नहीं रहेगा, जो सच बात है बता। क्यों मूवी देखने नहीं गई थी बैठ के? तो समय भीड़ नहीं था, चिराग दिल्ली में भीड़ नहीं था। भीड़ तो रहता है, क्या रोड पे तुम अकेले चलोगी? नहीं, हम ऋषभ को ले जाएंगे, प्रॉमिस। देखो वीडियो के सामने प्रॉमिस कर रहे हैं, हाथ रखो। अब मम्मी ने मेरे से हाथ रखो, कह रहे कि रात को आओगे तुम, वीडियो में लग जाओगे, मोबाइल चलाने लगोगे। हम कहे चलो रात को आएंगे तुम्हारे साथ, कैरम खेलेंगे, ठीक है? प्रॉमिस, हाथ रखो, नहीं प्रॉमिस नहीं रह जाएगा। इनका तो म्यूजिक ही चालू हो जाता है, कमरा पिया कमरे में चलो। मुस्कुरा रहे हो क्या? तो कल सबको ले जाएंगे, इसको मोबाइल में दिखा देते हैं कहाँ जाएंगे हम लोग। तो अभी अभी घर पे पहुँचा हूँ, घड़ी में 8:30 बज चुके हैं और ऋषभ कह रहे हैं, क्या कह रहे हो बोलो? ऋषभ कह रहे हैं, बोले थे कि रात को आओगे तो मेरे साथ खेलोगे, चलो खेलो। हम बोले क्या खेलोगे? A few moments later. कौन है? कृतिक है।
अपने आज ही आओगे? आ जाओ। आह टमाटर बड़ी मजेदार, ओह टमाटर बड़ी मजेदार, क्या बात है। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं, मेरे पति देव का खाने का मन है बाटी चोखा। सुबह दाल चावल और आलू टमाटर का चोखा बनाए थे, इनको इतना अच्छा लगा बोले शाम को बाटी चोखा बनाओ। तो बैगन आधा किलो बैगन है ना, आधा किलो बैगन और इसमें आलू टमाटर उबाल लें कुकर में और आटा सान दिए हैं और बाटी बनाएंगे और गैस पे ही बाटी बनाएंगे। बजने दो, गैस निकल, रोकना नहीं चाहिए। और यहाँ मैं चोखा के लिए देखो मिर्ची अदरक वगैरह भून रहे हैं। तो मैं इनको बोला अगर बैगन का चोखा बनाना तो भूज के तब बनाना। यहाँ देख सकते हैं बैगन को भूज रही हैं और दीदी के घर पे गए थे तो बना के खिलाई थी लिट्टी चोखा, मजा आ गया था ना। वो कुछ अलग है वो जो, लेकिन गांव का देसी घी, देसी घी होता है, यहाँ नहीं वैसा मिलता। अब गांव बोलते हो लोग, बोलते गांव क्यों बोलते हो? गांव नहीं बोलेंगे तो आप लोग समझोगे कैसे कि हम कहाँ की बात है? घर कहेंगे तो कहोगे कौन सा घर, मतलब गाँव वाले घर, इसीलिए हम लोग गाँव बोलते ताकि आप लोग समझो। पता है वो ना हम क्या हर कोई बोलता है, अरे मक्खन लेकर आते हैं, आता है उसका घी निकालेंगे, आता है ना एक मक्खन तो उसे निकालते हैं। मक्खन नहीं है तो दूध आता है, दूध नहीं वो आता है, मलाई आता है उसका घी निकालते, आता है यहाँ भी मिलता है। कौन सा मलाई आता है? डेयरी पे मिलता है मलाई का घी निकालोगे? हाँ वो देते हैं, उसका क्या होता है मक्खन की तरह जो होता है वो आधा किलो एक किलो खरीद के लाओगे उसको जला कर हम घर निकालेंगे। फायदा क्या, इससे अच्छा घी ले लो, गैस जलाओगी, मेहनत करोगी, बढ़िया होता है ना? कुछ नहीं बढ़िया होता, सब ऐसे ही होता है। मेहनत करोगी, गैस जलाओगी और एक किलो लाओगी तो उसमें आधा किलो ही निकलेगा कोई चीज अगर बनाओगी तो। हमारा बैगन भी है और चोखा बनाएंगे, आटा गूंथ लिए हैं, थोड़ा सा इसमें नमक और खाने वाला सोडा डाल दिए हैं। उससे अच्छा कंट्री डिलाइट दूध आता है इकट्ठा करोगी? अभी हम सोच रहे हैं ना वही करेंगे क्योंकि ना अब वही दूध लेते हैं। वो ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं मिलता है? नहीं तो फुल क्रीम लोगे ना, फुल क्रीम में भी निकलता है, फुल क्रीम में निकलता है। उतने दो चार से ज्यादा लगेगा, अभी उतने का आता है क्या फायदा। अब फुल क्रीम लेंगे, घी भी निकाले, सब लोग निकालते हैं, यहाँ भी निकालते हैं घी। ये बगल वाली फुल क्रीम लाते, कभी देसी घी नहीं खरीदती है, घर का ही घी रहता है इनका। देखो गर्मी से इनको पसीना हो रहा, अभी बोले पंखा लगा देंगे, कहेंगे पंखा मत लगाओ, पंखा चल रहा है तो गर्मी लगती, खरीद के लाए पंखा तो पता नहीं क्यों लगा। पानी की बोतल लेकर आप पिला दो। चलिए इतनी सेवा कर देते हैं इनके। तो गाइस यहां पर हम बना रहे हैं बाटी चोखा और दाल तो नहीं बनाएंगे, दाल हम दिन में ही बनाकर खा लिए थे और ऐसे मौसम में थोड़ा सा बारिश का मौसम है यही सब खाना। और सच में दीदी के घर का खाना को बहुत मिस कर रहे हैं ना कि वैसा खाना। अच्छा उनके यहाँ जाओ देखो कितना सेवा सत्कार करती है, ये आइटम पे आइटम आइटम पे आइटम बना के शौक है, देखो बना के खिलाती रहती है। शौक होता है कि हमारे घर आए। और हम लोग क्या है, हम लोग भी करते हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन हम लोग ना अरे मतलब हबर हबर कर देते हैं और हम लोग थोड़ा सा रेडीमेड मंगाते हैं क्योंकि दीदी क्या होता है वीडियो वगैरह ब्लॉग वगैरह नहीं बनाते, उनका केवल अपने घर पे फोकस देना होता है और हम सब क्या है अपने काम, अरे मोबाइल के द्वारा वीडियो डालना, एडिटिंग करना, पोस्ट करना, हर चीज़ जगह अपडेट देना, इसलिए हम लोग थोड़ा सा स्लो रहते हैं। ऐसा बात नहीं कि हम लोग खिलाने पिलाने में दूर ही रहते हैं, जो होता है बाहर से मंगा कर खिलाते हैं लेकिन थोड़ा सा घर में कम बनाते हैं। ऋषभ इधर सुनो, ऋषभ को कुछ बोल। आती है लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, वैसे दीदी की जितना सत्कार होता है क्या हम लोग की सत्कार नहीं होता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बाय बाय।